जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज हम आपको लेकर के आए हैं गुरुग्राम के संस्कृत विद्यालय के अंदर, ऋषिकुलम संस्कृत विद्यापीठ के अंदर। यहां पर आज जो यहां के दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसमें डिग्री बांटी गई थी। इसी कार्यक्रम के अंदर जो मुख्य अतिथि और अतिथि आए हुए थे, गणमान्य व्यक्ति, हम उनसे आपकी बात कराएंगे और संस्कृत के विषय में जो आज काफी लुप्त होती है कि इसको भाषा कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका परिचय बताएं। मैं राजेश रूप, अध्यक्ष श्री लज्जाराम आश्रम संस्थाएं जी, पांडुपिंडारा जिला जींद से आया हूं जी। आज ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय का दीक्षांत समारोह था जी। डॉक्टर श्री भगवान जी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आए हैं और हमारे संस्कृत भारती के श्री प्रमोद शास्त्री जी, प्रांतीय प्रमुख श्री प्रमोद जी वो हैं, और डॉक्टर अनिल युगाचार्य जी वो भी हैं। हम सब ने मिलकर आज एक इस उत्सव में शामिल हुए। तो क्या कहेंगे आप ऋषिकुलम के बारे में, जो यहाँ पर इन्होंने जोत जलाई हुई है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो गुरुकुल परंपरा है उसके लिए, क्योंकि आज गुरुकुल एक तरीके से देखा जाता है लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। और ये काफी विचारणीय विषय है कि गुरुकुल हरियाणा जैसे जो क्षेत्र है उसमें से लुप्त हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा जी, गुरुकुल परंपरा की जो जोत, अखंड जोत हमेशा जलती रही, पर लोगों का अपना दुर्भाग्य जो इससे दुर्भागते रहे। और ऐसी गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम में ऋषिकुल गुरुकुल महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है और बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसा हम पिछले 4 घंटे से देख रहे थे, यहाँ के जो छात्र जो हैं बड़ा अच्छा संस्कृत में उन्होंने प्रयास किया है, और जो शास्त्री की जो आज उपाधि डॉक्टर श्री भगवान जी के खरकमलों से जो प्रदान की गई है वो बहुत बड़ा उत्तम एक उदाहरण है। और गुरुकुल तो हमेशा से जो है उदय ही रहे, अस्त कभी नहीं हुए, लोग अस्त हो गए। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर श्री भगवान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जो आज ये संस्कृति के अंदर, जो संस्कृति की अंदर संस्कृत की हालत होती जा रही है, लोग संस्कृत को तो छोड़िए, आप हिंदी के बारे में भी आज के समय में बच्चे बोलना जो है उचित नहीं समझते, इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ऐसे में संस्कृत भाषा का जो अपने आप को यहाँ पर खड़े रहना किस तरह से आप देखते हैं? मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति इसके महत्व को नहीं समझता, संस्कृत के महत्व को नहीं समझता, उसका दुर्भाग्य है। वर्तमान समय में संस्कृत का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इसका एक श्लोक भी अगर जीवन में आचित कर लें तो पूरा जीवन बदल सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि इनका एक श्लोक है कि अयम निज प्रोवेतु गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कि अयम निज, यह मेरा है, यह पराया है, इस तरह की गणना तो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, उदार चरित्र के लिए तो पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये भावना रही है संस्कृत की कि पूरे विश्व को एक परिवार मान करके चलने वाला ये वास्तव में विषय है। जो आज देश आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कई बार विश्व युद्ध जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, उन सब का समाधान संस्कृत में है। संस्कृत की तो भावना ये रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सभी का हित चाहते हैं, ये भावना है। तो इसका वर्तमान जीवन में, वर्तमान समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कुछ व्यक्ति मानते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, अब आवश्यकता और ज्यादा बढ़ गई है, और ज्यादा महत्व बढ़ गया है। तो ये नहीं कह सकते कि संस्कृत का महत्व नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व है मेरे अनुसार। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रमोद शास्त्री, संस्कृत भारती हरियाणा प्रांत मंत्री का दायित्व है और उसका निर्वहन। संस्कृत भारती जो आप संस्था से आते हैं, संस्कृति के अंदर संस्कृत को लेकर के क्या प्रयास कर रही है और आने वाले समय में क्या देखते हैं आप, संस्कृत कितनी आगे आने वाली है? संस्कृत भारती पिछले लगभग 42 वर्षों से विश्व में संस्कृत का काम कर रही है। अभी लगभग हमारा 28 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य चल रहा है जी। और अगर वर्तमान भारत देश की मैं बात करूं तो 17 विश्वविद्यालय में संस्कृत भारती का काम बहुत जोर से है। उसके अलावा आज तक भारत में, संपूर्ण भारत में 7 गांव संस्कृत ग्राम बन चुके हैं
हजारों घर जो संस्कृत घर हैं, जहाँ छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो आज भी जन्म लेने पर उनकी जो मातृभाषा है वो संस्कृत भाषा है। हमारा जो प्राचीन हमारा इतिहास रहा है, हमारा जो वैभव रहा है, उसको पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के लिए संस्कृत भारती कार्य कर रही है। अभी आपने प्रश्न किया था हमारे आदरणीय राजेश स्वरूप जी से कि संस्कृत भाषा लुप्त प्राय है। संस्कृत भाषा में बहुत गर्व के साथ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि लुप्त प्राय भाषा नहीं है। जितने रोजगार की संभावनाएं आज संस्कृत भाषा को लेकर के है, जितनी रोजगार का विषय संस्कृत में है, अन्य किसी एक मात्र भाषा में नहीं है। अगर हम अपने भारत का ही उदाहरण ले तो मात्र संस्कृत विषय एक ऐसा है जिस विषय के मात्र एक विषय का विश्वविद्यालय है, तो 17 संपूर्ण भारत में विश्वविद्यालय है, हजारों गुरुकुल, हजारों संस्कृत संस्थान, हजारों संस्कृत महाविद्यालय हैं, हजारों संस्कृत विद्यालय भी हैं। तो रोजगार की दृष्टि से भी, बच्चों में संस्कार की दृष्टि से भी, क्योंकि भारत की जो पहचान है, भारत का जो वैभव है वो संस्कृत से है और हमारी संस्कृति से है। तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो जब तक एक व्यक्ति के मुंह पे भी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा लुप्त भाषा ऐसा हम नहीं कह सकते, ना ही ये मृत भाषा है। संस्कृत अति सरला, अति मधुरा और व्यापक भाषा है। हमेशा जब तक भारत रहेगा, जब तक संस्कृत रहेगा, जब तक संस्कृति रहेगी, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। आपने कहा कि संस्कृत जो है वो हमेशा रहेगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा भी यही मानना है। लेकिन आज के समय में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश की तरफ ज्यादा धकेल रहे हैं, तो ऐसे माता पिताओं के लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए एक दृष्टांत ही है। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व जो मैकॉले शिक्षा पद्धति में मैकॉले जब भारत आए थे और वो एक हमारे उच्च अधिकारी के घर पे गए और उन्होंने ये देखा कि उच्च अधिकारी एक अपने बुजुर्ग के पैर छू रहा है। वो बुजुर्ग कौन था? उस घर का नौकर था, उस घर में काम करने वाला था। उन्होंने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने उत्तर दिया कि ये तो मेरे पिता तुल्य हैं और मेरा अधिकार है कि मैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको नमन करूं। तो उन्होंने जब ये देखा कि इतनी सुदृढ़ परंपरा है, मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि संस्कृत के माध्यम से जो सुदृढ़ परंपराएं हैं, संस्कृत के माध्यम से जो हमारे संस्कार हैं, वो संस्कृत रहेगी तो ही रहेंगे। अगर हम अपना वृद्ध अवस्था का जीवन वृद्ध आश्रम में नहीं बिताना चाहते, अगर हम अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अपने वैभव के साथ रहना चाहते हैं, तो बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं। क्योंकि हम अपने बच्चों को सबसे पहले जो पढ़ाते हैं वो यही बात कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पशे विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्ये शूलम्। अर्थात बुजुर्गों की जो सेवा होगी, जो आज वृद्धाश्रम बन रहे हैं, गौशाला बन रहे हैं, ये देश का सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ पे गाय पालन और वृद्धों की सेवा करना परम कर्तव्य माना जाता था, और जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण में जा रहे हैं, इन्हीं चीजों का लुप्त प्राय होती जा रही है। तो अगर हमें संस्कृति बचानी है, संस्कृत बचानी है और अपना वृद्ध अवस्था सुधारना है, तो अपने बच्चों को संस्कारित करें, संस्कृत पढ़ाएं और संस्कृत के साथ जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर अनिल योगाचार्य, संचालक वैद्य बलवंत सिंह फार्मेसी रोहतक, एवं पूर्व महामंत्री वेद प्रचार मंडल गुरुग्राम। धन्यवाद आपका, आपने जो अपना परिचय दिया है। आपसे जानना चाहेंगे, आज आप ऋषिकुलम के अंदर आए हैं, ऋषिकुलम के बच्चों को देख करके क्या भारत का भविष्य आप देखते हैं? इस गुरुकुल में आने के बाद और बच्चों की प्रस्तुतियां देखने के बाद, ये तो भावना पैदा ही नहीं, मन में बैठ गया है कि अब संस्कृत और संस्कृति का और भारतीयता का विकास अवश्य ही होगा। गुरुग्राम के अंदर जैसे कि आप किस तरह से संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में अपने प्रयास लगा रहे हैं? देखिए, अभी 15-20 दिन पहले हमने SERT गुरुग्राम में एक कैंप लगाया था, और वो जो हमारा शिविर था वो सभी सरकारी अध्यापक थे। उसमें हमने संस्कृत का विकास कैसे हो सकता है, संस्कृत जिसको कठिन कहते हैं वो सरल कैसे है, और हमारा वास्तविक ज्ञान किन ग्रंथों में है, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। और उसको लेकर के सभी अध्यापक अपने अपने विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में, उसका बढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और उसी चीज को लेकर के अमित जी ने जो ये गुरुकुल चलाया है,
वहाँ पर उन बच्चों में भी वो संस्कार पैदा कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा लगता है, इस प्रकार से गुरुग्राम में संस्कृत बहुत बढ़ेगी, फैलेगी, फूलेगी। धन्यवाद आपका जवाब देने के लिए। मेरा एक सवाल आप सभी महानुभव से है कि आज के समय में माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अगर गुरुकुल भेजेंगे तो शायद हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे आने वाला समय, जैसे कि सभी जानते हैं कि कंप्यूटर है, इंग्लिश है। उस मामले को देखते हुए ऋषिकुलम जैसे स्कूल खोलने की आज आवश्यकता है, और गुरुकुल में लोग वही अभिप्राय लगाते हैं कि गुरुकुल जैसे कि पहले मिट्टी है, ये सब चीज़ है, उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो आखिर क्या किया जाए जिससे कि बच्चे गुरुकुल शिक्षा पद्धति भी सीख पाएं और अपने बच्चों को आगे भारत का भविष्य जो है वो अच्छे से बना पाएं, सुदृढ़ बना पाएं? तो जी, अगर कुछ लोगों के मन में एक विचार है गुरुकुल में भेजेंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे कुछ भाषाओं से वंचित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज किसी भी गुरुकुल में जो बोर्ड से संबंधित और एमडी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो गए हैं उनमें गणित भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, उसके साथ साथ भारतीय वेद, दर्शन, उपनिषद भी पढ़ाए जाते हैं। ये तो रहेगा ही नहीं होंगे। उसके साथ भी अगर कोई ये मानते हैं, अगर हम गणित को लें, किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, वैदिक गणित से बढ़िया तो कोई साधन है ही नहीं। अगर हम स्वास्थ्य से संबंधित लें, कुछ लोगों के बहकावे से कुछ लोगों ने अपने बच्चों को जब मिट्टी से, प्रकृति से अलग कर लिया तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। उनका चित्र आप इधर देख सकते हैं, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, भास्कराचार्य, ब्रह्मीर, और ये सब क्या हैं? ये आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के जानने वाले विद्वान थे, और ये सब संस्कृत भाषा में ही पढ़ते थे, संस्कृत भाषा में ही विचार करते थे। तब तक ये शिक्षा हमारे देश में रही, तब हमारा देश सर्व संपन्न विश्व गुरु कहलाता था। तो अगर कुछ लोगों के विचार हैं कि ऐसा होने से, वो भूल करते हैं, संस्थाओं में आए, संस्कृत पढ़ाएं और अपने बच्चों में संस्कार, विचार और स्वास्थ्य और धन लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और हमारे दर्शकों के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जरूर ऋषिकुलम में और इस तरह के जो अन्य गुरुकुल हैं उनमें अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि आपके बच्चे जो है आपको वृद्ध आश्रम में तो बिल्कुल ना भेजें, अपने साथ रखें और हमेशा रखें। देखते रहिए अजय भारत, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपके शुभ नाम बताइए और आज जो दीक्षांत समारोह है उसके बारे में। ओम जी, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है, मैं ऋषिकुल गुरुकुल गुरुग्राम में सेवारत हूँ, और आज जो दीक्षांत समारोह था उसमें शास्त्री की उपाधि से बच्चों को अलंकृत किया गया है। ये एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो कि 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, जो कि जैसे सामान्य बीए होती है ऐसी ही ये बीए शास्त्री है। इसमें संस्कृत विशेष रूप से और शास्त्र आदि की अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, तो जो शास्त्र जानता है वही शास्त्री होता है। तो ये प्राचीन परंपरा है हमारी जिसमें उपाधि से बच्चों को अलंकृत किया जाता है, इसके बाद आचार्य वाचस्पति जिसको पीएचडी भी बोलते हैं डॉक्टर है, वो होता है। कितने बच्चों को उपाधि की? आज लगभग 47 बच्चे हमारे पास इस स्तर में थे जिनको उपाधि मिलनी थी, कुछ दूरी के कारण नहीं आ पाए, तो लगभग 47 विद्यार्थी हम मान के चलते हैं, 40 के करीब तो है आए थे। तो अभी क्या आने वाले समय में जो शास्त्री है या आचार्य है उनके लिए भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं आपके कॉलेज में? जी हाँ, गुरुकुल जो ऋषिकुल गुरुकुल गुरुग्राम है यह है प्रवेशिका से प्रवेश प्रारंभ करता है और आचार्य तक हमारे पास यहाँ सुविधाएं हैं अध्ययन अध्यापन की। शास्त्री और आचार्य के प्रवेश चल रहे हैं, कुछ सीटें हमारे पास वैकेंट हैं, 2023-24 स्तर की ही अभी दाखिला हो सकता है ग्रेजुएशन में, उससे पहले प्रवेशिका से लेकर के और 12वीं तक का जो है उसमें 21 जनवरी को हमारा एडमिशन टेस्ट होना है, वो उस माध्यम से होगा। एडमिशन टेस्ट के द्वारा हम लोग एडमिशन इसमें लेते हैं, जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनको प्रवेश मिल जाता है। क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आप अगर आपके यहाँ से शास्त्री या आचार्य करते हैं तो? मुख्य रूप से तो सरकार की तरफ से तो क्या है वो मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहूँगा, परंतु हमारी तरफ से जो है कि हम लोग 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं, बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में हम लोग नौकरी लगवा करके देते हैं जब तक उसकी शास्त्री या आचार्य हमारे पास से कंप्लीट होती है। साथ में अनेकों सुविधाएं हैं, जैसे कि वो हमारे साथ
अगर शास्त्री में इनरोल्ड हैं तो साथ साथ हम लोग धर्म गुरु की कर्मकांड की आदि की इन प्रकार इस प्रकार की विद्याएं भी देते हैं, स्वर विज्ञान आदि, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष, जो वेदों के ही अंग माने गए हैं, ताकि शास्त्री के साथ साथ में वो लोग अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें। आज अभिजीत संस्कृत जो भाषा है उसको तो देखा जाता है कि अधिक संस्कृत हम सिखाएंगे, क्योंकि लोग अपने बच्चों को हिंदी सिखाने में भी हिचकते हैं, ऐसे में संस्कृत की प्रासंगिकता आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, माहौल बदल रहा है, लोगों को धीरे धीरे संस्कार का और संस्कृति का महत्व समझ में आ रहा है। संस्कृत के बिना ना तो संस्कार संभव है, ना ही संस्कृति। तो आप, आधुनिक शिक्षा है आपके पास, लेकिन आचरण अच्छा नहीं है, बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं है, उसका बौद्धिक स्तर ठीक नहीं है, मानसिक स्तर ठीक नहीं है, आध्यात्मिक तो भूल ही जाइए। तो कहीं ना कहीं एक स्तर पर आकर थोड़ा देर से ही सही व्यक्तियों को ये एहसास जरूर होता है कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए थी, पर तब तक देर हो जाती है। तो ऐसे में गुरुकुल एक विकल्प है, ऋषिकुल गुरुग्राम एक विकल्प है उन अभिभावकों के लिए जो अच्छे संस्कारों के साथ अपनी संस्कृति को साथ लेकर के भी आधुनिक शिक्षा अपने प्यारे बच्चों को दे सकते हैं। आपके संपर्क सूत्र बता दीजिए। हमारा गुरुकुल का संपर्क सूत्र है 9466785422। हाँ जी, हमारे गुरुकुल की वेबसाइट है। यदि कोई ऑनलाइन भी 21 तारीख को जो हमारा प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करना चाहता है तो वो इस वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसका नाम है ऋषिकुलम गुरुग्राम.in। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने। धन्यवाद जी, नमस्ते जी।